वालेकुम क्लास फाइव, आज हमने मेंटल मैथ्स करना है। आपको डिवीजन के कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए पेज नंबर 28 पे। आपने इनको खुद से विदाउट आपने डिवीजन के आपने इनको सॉल्व करना है, यानी माइंड में आपने रख के इसको डिवीजन करना है। अब देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 360,000 डिवाइडेड बाई 200। अब हमने क्या करना है, देखें ये दो जीरो इसके पास भी हैं, दो जीरो इसके पास भी हैं। अब हम इन दो जीरो को आपने इसको माइंड में सोच लेना है और क्वेश्चन पे इस तरह कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। दो जीरो से कैंसिल होगी, टू के टेबल में 36 कहाँ आया है, 218 से 36 होता है, वो हम लिख देंगे। हमारे पास पीछे कितने जीरो रह गए, दो जीरो रह गए, तो हम यहाँ पे दो जीरो डाल देंगे। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 1800 आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इधर दो जीरो है, हम क्या करेंगे, इधर के दो जीरो इन दो जीरो के साथ कैंसिल कर देंगे। 48 के टेबल में फोर का टेबल पढ़ेंगे जहाँ पे 48 आ गया, 4 1 4 4 2 8 12। अब हमारे पास पीछे कितने जीरो रह गए, दो जीरो रह गए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1200 बन जाएगा, ठीक है। अब आपने इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 695,000 को आपने 695 से डिवाइड करना है। देखिए ये तीनों फर्स्ट तीनों प्लेसेस सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्यों 695 को, अगर 695 का टेबल पड़े तो आता है 1 आता है, बाकी तीन जीरो इसी तरह सेम आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 140, आपने 560,000 को 140 पे डिवाइड किया, 1010 से हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास पीछे क्या बच जाता है, 56,000 बच जाता है, ठीक है। 56 को 4 से करेंगे, ये 14 से करेंगे तो 4 आ जाता है, और पीछे कितने जीरो आ जाते हैं, 3 जीरो आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने आपके पास नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर पे अगर हम तीनों जीरो कैंसिल कर देते हैं इसके साथ, तीनों के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 738 को जब 1 पर डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, 738 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह 210,000 को जब हम 7,000 से करेंगे, तीन जीरो हमारे इसके साथ जब कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 के टेबल में 21 कहाँ आता है, 7 1 7, पीछे कितना जीरो रह गया, 1 0 रह गया, डाल दिया और बाकी, ठीक है। ये आपने इस तरह से करने हैं, तो